इसको लग जाएगी। मेरी बात सुन पड़ेगी ना, उसको डाउट है कि बच्चा आपका है इसीलिए आपके पास छोड़ रहा है। मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा ठीक ना, वो बच्चा अगर उसका हुआ तो वापस जाएगा। तो आपको डाउट कैसे है? अच्छा वो मर गई है क्या, उसका बच्चा हमारे पास रहेगा? वो मर गई, दो बच्चे हैं, एक और हो जाएगा ना, वही कभी बरसात के मौसम आते रहते हैं, कभी कभी आदमी का ईमान जो है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं, को फोड़ देंगे बता दे रहे हैं। अरे देख खेल भी रहा है ये बच्चा। हेलो नमस्कार आदाब सत्रकाल केम छो, कैसे हैं आप सभी भाई और बहन? अच्छा करते हैं, सभी लोग अच्छे होंगे। तो ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और तीन तीन चार चार कपड़े पहन के रखे हैं मैंने, तो आप लोग भी अपने आप को इसी तरीके से ढक कर बंद कर कर और ताला मार दीजिए। तो आज फिर से आपके सामने जो है, मैं एक बहुत ही खूंखार सा प्रैंक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देखिए वीडियो में क्या होता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। बिजी हो? हाँ इधर आओ, ये रख देना। इस तरह ले? हाँ। सिक्स मंथ? अरे हमारे घर में कहाँ छह महीने का बच्चा है क्या कि आप लाए हैं? श्लोक का कौन है जन्म का छूट गया है साल भर से खाना? ये किस खुशी में लेके आए हैं? देख गुस्सा मत करना, बैठ जा तू। गुस्सा क्यों करेंगे? गुस्सा तेरा गुस्सा आता रहता है इसलिए बोल रहा हूँ, गुस्सा मत करना। गुस्सा लगने वाली बात करने जा रहा है? पहले सुन लिया, पहले बात को सुन, गहराई को समझ, उसके बाद फिर फैसला ले ठीक ना। हम कैसे प्रॉमिस कर रहे हैं जैसे बात कर रहेगा वैसे बोलो पहले आप। हम एकदम बोलो क्या हुआ? नहीं तू पहले प्रॉमिस कर, तू बहुत मारती है मेरे को, तू पहले प्रॉमिस कर उसके बाद फिर देखेंगे ठीक है। तुम बहुत मारते हो यार हमको, तुम पहले प्रॉमिस करो तब हम तुमको बताएंगे। देखो तो ये ऐसी कौन सी बात है कि आप डर रहे हैं और ये सरलेख लाके हमको दिखा रहे हैं? सरलेख किसी के लिए लेके आए खाने के लिए? किसको? बच्चा खाता है और कौन खाता है? ये बेबी लोग खाते हैं। हाँ तो बेबी के लिए लाया हूँ। किसको देने के लिए? किसी गिफ्ट दे रहे हैं क्या? अरे मैं अपने घर के लिए लाया हूँ बेबी के लिए। देख मेरी बात सुन, पहली चीज की देख मेरे से 3 फीट की दूरी रखना। हाँ? कोरोना बढ़ रहा है, मेरे पास मत आना ठीक है, दूर रहना मेरे से। देख बात समझने की कोशिश कर, मेरी जो फ्रेंड है ठीक ना, आरती, उसका बच्चा मेरे पास रहेगा। उसका बच्चा आपके पास क्यों रहेगा? है? उसका बच्चा आपके पास क्यों रहेगा? उसका बच्चा मेरे पास रहेगा, अब क्यों रहेगा मैं वो नहीं बता सकता। क्यों रहेगा वो नहीं बता सकते, लेकिन रहेगा ना, यहाँ रहेगा मेरे पास क्या आपके पास? हम दोनों के पास? हम दोनों के पास रहेगा। उसका बच्चा वो मर गई है क्या? उसका बच्चा हमारे पास रहेगा? वो मर गई है? अरे मरी नहीं है भाई, तुम छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, रख ले खिलाना पिलाना, पुण्य मिलेगा थोड़ा सा। आपका तो नहीं है? मेरा है, किसका है पता नहीं, उसका उसका हस्बैंड उसको ले रख नहीं रहा है। तो हस्बैंड नहीं रख रहा है तो मतलब कहना क्या चाह? मैं बोला 3 फीट दूरी रख, 3 फीट की दूरी अब बहुत है जरूरी ठीक ना, इसलिए 3 फीट की दूरी, अन्यथा मैं मोदी साहब को फोन कर दूंगा और तेरे को डाल देंगे जेल में ठीक ना। देख मेरी बात सुन, कहते समझ, समझ उसका हस्बैंड उस बच्चे को रखने को तैयार नहीं है, मजबूरी बस मुझे रखना है ठीक ना। तो मैं उस 10 मिनट में मेरा फ्रेंड लेके आ रहा है, उसको आ भी रहा है। हाँ इसलिए मुझे खाना उसका लेके आना पड़ा। खाना लेके आना और 10 मिनट में कैसे आ रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है? लाओ घर में, लाओ। क्या प्रॉब्लम क्या है? लाओ घर में, दो बच्चे हैं, एक और हो जाएगा। आप मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये लेकर आए होंगे इसी फालतू में और मेरे साथ मजाक कर रहा है, कसम खाओ। 10 मिनट वेट कर, हाथ में दे दूंगा। छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सा एकदम। बच्चा क्यूट है, बच्चे क्यूट होते हैं, बच्चे को साइड में करो। हाँ, तो किसको बीच में करें? आपको।
देख भैया देख, उसके हस्बैंड को डाउट है कि वो बच्चा मेरा है। हाँ, हाँ, है वो बच्चा तेरे को। किनारे बैठा हूँ मैं। अब आपको अफसर पड़ेंगे, उसको डाउट है कि बच्चा आपका है, इसीलिए आपके पास छोड़ रहा है। तुझे क्यों डाउट हो रहा है, मैं तो तेरे साथ रहता हूँ ना। मुझे डाउट नहीं, मुझे यकीन है उसको डाउट होगा ना, उसके हस्बैंड को, उसके हस्बैंड को डाउट होगा छोड़ने पे। और मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि वो आपका है, इसीलिए ला रहे हैं हमारे घर में। उसका हस्बैंड तो बेवकूफ है, तू भी है। हाँ हम भी बेवकूफ है, उसके हस्बैंड से बड़े वाले बेवकूफ है। मेरे पास सुन, देख दो बेवकूफों का मिलन बहुत अच्छा होगा, तू एक काम कर उसके पास जा, उसको मेरे पास आने दे, ठीक है? मेरे पास सुन, शर्म नहीं आता, कुछ भी बोल देते हो जो मन किया उठाकर। देख मेरी बात सुन, उसके मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, ठीक ना? वो बच्चा अगर उसका हुआ तो वापस जाएगा। आपको डाउट कैसे है, आपको डाउट कैसे है कि आपका है? अबे डाउट की बात नहीं, तू बात नहीं समझ रही। अगर मान ले उसका बच्चा हुआ तो उसके पास जाएगा, और अगर मेरा बच्चा हुआ तो आपका कैसे हो सकता है? आपका कैसे हो सकता है, कैसे आपका हो सकता है वो बताओ हमें, कैसे आपको शक है कि आपका हो सकता है वो? अगर बच्चा आपका निकल गया, कुछ हो गया ना, समझ लो वही देख, कभी बरसात के मौसम आते रहते हैं, कभी कभी आदमी का ईमान जो है वो गड़बड़ा जाता है। क्या बोला तूने? बरसात का मौसम में मन डगमगाया है आपका? अरे देख, तो आपकी जिंदगी हम डगमगाएंगे। मैं मन डगमगाएंगे, हम बात सुन, देख देख क्या क्या सुने, कहा तो क्या सुने, क्या सुने, क्या सुने? तुम पहले मेरी फीलिंग्स को समझो, ठीक ना? फीलिंग्स को समझे? हाँ, बच्चा रखना है कि नहीं रखना है? नहीं रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है। आपको रखना है रखना, और उसको रखना है रखना, नहीं जो मन वो करो, हमारे घर में नहीं आना चाहिए। ये मेरा घर है। आपका घर है, ठीक है, लाके रख लो, रख लो उन्हीं लोगों को, हम लोग चले जाते हैं, रख लो। कंपनी प्रोवाइडेड रूम। हाँ तो रख लो ना, रख लो, हमारा क्या है, हम क्यों काम करें इसमें, हम क्यों रहे, नहीं रहेंगे। तो बासी मुंह उठाओ और जाओ, तो मैं उसकी मम्मी को भी बुला लेता हूँ। इतना खतरनाक उठा मत कर भाई, ये किसी दिन मेरा ये हार्ट जो है ना साला इधर से मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा। और आप जो कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? देख बच्चा है, बच्चे के लिए कुछ भी नहीं, बच्चे के लिए कुछ भी नहीं। हाँ बच्चा है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उनको उसको आने दे, बच्चे को आने दे। हाँ बच्चा भगवान का रूप होता है, उसको आने दे, उसकी सेवा कर, बड़ा करके दे देंगे। जब जब देखेंगे उसका फेस, जब जब उसको देखेंगे आपके कारनामे याद आएंगे। और मेरा तो खून है उसमें, नफरत क्यों है? मतलब मेरे पास हो सकता है कि मेरा खून वो, अगर हो सकता नहीं है, है खून है। अब गिर जाऊंगा मैं, पागल औरत क्या खोज रही है हथियार अपना। देखो मैं देखो आने वाला होगा यार, नाटक खत्म कर यार ये सब चीज। उसके सामने कुछ, पहले मेरे दोस्त के सामने कोई नाटक नहीं, ठीक ना? चुपचाप आएगा, गोदी में देगा, गोदी में ले लेना और चुपचाप अंदर आ जाना। फिर उसके बाद वो जब चला जाएगा तो जो करना होगा करना, ठीक है? एक कप चाय पिला देना, ठंडी बहुत है। चाय पिलाएंगे कि, चाय पिलाएंगे हम मेहमान भगवान का रूप होता है, मेहमान और बच्चा बीच में मत लाओ, बस अपने कारनामे बीच में लाओ इस टाइम, मेहमान और बच्चा मत बोलो। देखो पहले वो खाना ले जाओ, बना उसके लिए खाना, खाना बनाए, खाना बनाए, मैं लाया हूँ। देखो उसको नाटक नहीं करो, उसको ले जाओ, उसको बनाओ और चाय भी रखो दो कप, ठीक ना? बकवास नहीं करो, चलो ले। देखो ये सब छोटी मोटी बातों पे इतना इशू, अग्रेसिव, इतना दूर से वो आ रहा है गाजीपुर से, वो भूखा है बेचारा, उसको खाना मिला। करने से अच्छा है फिर बेशर्मी की हद पार किए हो। बच्चा भूखा है, पहले उसका पेट भरना जरूरी है, उसके बाद फिर सोचेंगे हम क्या करना है, डिवोर्स लेना है, साथ में उसको रखना है। इस बच्चे के लिए आप हमारा खत्म करेंगे ना, हमारे बच्चों को खत्म करेंगे ना? तो तुम्हारा, मैं वो मेरे साथ रहेंगे,
देख इतना बीपी बढ़ जाएगा, नस फट जाएगा माथे का। उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। देखो देख 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 मेरी बात सुन यार, बच्चे के लिए ऐसा मत करो, भगवान भी तेरे को माफ नहीं करेगा। भगवान भी माफ नहीं करेगा है? सोच थोड़ा सा, छोटा सा नंदा सा 6 महीने का बच्चा बेचारा इतने दूर से आ रहा है, 400 किलोमीटर दूर से, कम से कम उसको दूध दूध तो तू यही दे उसको खाने के लिए। फैसला तो बाद में होता रहेगा। फैसला बाद में होगा। सुन वो आ रहा है परसों, उसकी मम्मी भी आएगी, ठीक है? मम्मी भी आएगी, उसको भी घर में रखोगे? नहीं उसको नहीं रखूंगा मैं, तो बच्चा भी बैठ के उससे बात कर लेना बस तुम, क्या मसला है क्या? उसकी माँ कैसे बच्चा छोड़ के, बच्चा छोड़ के आ, कैसे बच्चा कैसे आ रहा? रख रहा है उसका हस्बैंड। उसकी माँ बच्चा छोड़ के कैसे? माँ को तो बच्चे के साथ रहना चाहिए। तो इसीलिए वो आ रही है ना परसों, परसों वो इसीलिए तो आ रही है। तुम अभी उसको तो संभालो, 2 दिन तो संभाल लो उसको, वो 10-15 दिन रख के चली जाएगी। आ गया अभी देख, मैं उसको लेके आ रहा हूँ, और नाटक नहीं चाहिए मेरे को, ठीक ना? चुपचाप तो वेलकम करिए हमारे घर के नए सदस्य का, और मिलवाते हैं आपको हम इस घर के नए सदस्य से। देखो बच्चा है, कृपया हिसाब से, ठीक है? बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं। एकदम खराब है मेरा दिमाग, एकदम खराब है, समझ। हम आपको फोड़ देंगे, बता दे रहे हैं। अरे देख खेल भी रहा है ये बच्चा। बेबी हम पापा हैं बेबा। अरे बेटा पापा है, इसको लग जाएगी। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। देख ओह माय गॉड, ये था, ये है ये बच्चा, ये था। जी क्या कैसे करते हैं जी, इसके लिए आप हमको इतना परेशान कर रहे हैं? परेशान क्या कर रहे हैं, कब से सीरियस नहीं बता नहीं सकते हैं? पापी ला रहा हूँ तो मैं ला रहा था, तो सोचा तेरे साथ कुछ हंसी मजाक भी हो जाए। हंसी मजाक? ये कौन सा मजाक है, हंसी मजाक है ये? कौन सा हंसी मजाक है? बाबू इसके लिए लगा था कैमरा, ठीक ना? ऐसे नहीं परेशान हुआ ये। अच्छा कैमरा लगा के आप परेशान कर रहे थे? कैमरा लगा के मैं परेशान? बेशरम आदमी, शर्म नहीं आता है? आइए मिलवाते हैं इनको, अपने घर के नए सदस्य को मिलवाते हैं अपने हम अपने फैमिली से। तो ये मेरा प्यारा शॉप बेबी, हमारा न्यू मेंबर। ये है हमारे घर के नए सदस्य, इनका नाम अभी हमने रखा नहीं, रखा नहीं है, और ये अभी सिर्फ 40 डेज के हैं। ये भी आप लोगों को इंटरटेन करेंगे अपने इनके जैसे। ये भी अब हमारे घर में हमारे साथ रहेंगे, एक नए हमारे सदस्य हैं, ये आपके एक नए इंटरटेनर हैं, और ये भी आपको जो हंसाने में उतनी भूमिका निभाएंगे जितनी मैं और ये निभाते हैं। कौन सा डॉगी है ये? डैशहाउंड। कितने डैक्शन ब्रेजर डॉग, इसका कई नाम होते हैं। कितने का बड़ा? अब ये सब छोड़ो ना। अच्छा बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार करें, ढेर सारा आशीर्वाद दें, और इसके लिए कम से कम मेरे लिए ना से इनके लिए आप ढेर सारे सब्सक्राइब, ढेर सारे सब्सक्राइब। ओ याहू याहू याहू।